Everyone, welcome to my video lectures. In this video, I will explain short-run equilibrium of industry and firm under perfect competition. इससे पहले कि हम short-run equilibrium of industry and firm under perfect competition को समझें, let's study certain assumptions. Number one assumption is firms are working under identical cost condition. जितनी भी firm हैं उनकी cost एक रहेगी, किसी की भी cost of production में किसी भी एक नुक्ते का या किसी भी चीज़ का कोई भी फर्क नहीं रहेगा. Second assumption is price is single for both commodity and factors. जितनी भी कमोडिटी हैं सबकी प्राइसेस जो रहेगी वो एक रहेगी, सिंगल रहेगी. ऐसा नहीं रहेगा कि कमोडिटी एक जगह पे एक कीमत में बिक रही है और वही कमोडिटी दूसरी जगह पर दूसरी प्राइस पर बिक रही है. प्राइस फॉर ऑल कमोडिटीज विल बी द सेम एंड सिंगल. देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो बी द सेम. इट मीन्स दैट जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इनपुट्स लगने वाले हैं वो एक ही प्राइस पर तमाम फर्म्स को अवेलेबल रहेंगे. देन थर्ड अजम्पशन इज फर्म्स आर इक्वली एफिशिएंट. इट मीन्स दैट जितनी भी फर्म्स हैं वो इक्वली प्रोडक्टिव है. वन आवर कहिए या 10 आवर्स में एक फर्म का जो प्रोडक्शन रहेगा, जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है, वो तमाम के तमाम फर्म्स की रहेगी. उसके बाद का अजम्पशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट्स हैं, प्रोडक्शन के लिए जितनी भी कमोडिटीज लगने वाली हैं सबके सब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एंड दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस. एक ही प्राइस पर तमाम के तमाम फर्म्स को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं. दिस अजम्पशंस इंश्योर दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ वन फर्म मीन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. अब हम इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम इज अटेंड व्हेन टोटल डिमांड and total supply are equal to each other. It means that total demand is equal to total supply. Simply, जहाँ पर demand और supply बराबर हो जाएंगे वही equilibrium point रहेगा और वही price जो रहेगी equilibrium price रहेगी और equilibrium output. Look at the figure. Oh, I have forgotten to write down. So O x axis shows that output, y axis shows demand, supply and price. DD is a demand curve, SS is a supply curve. Both are intersecting, suppose at point E, and this is equilibrium point where price is OP. अब ये जो OP price है ये industry में demand और supply के बराबर होने की वजह से fix हुई है और यही price जो है अब हर firm जो है इसको adopt करेगा, accept करेगा और इसी price पर वो चाहे 1 unit sell करे के 100 के 1 lakh units. तो इस तरीके से industry में equilibrium होता है जहाँ पर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर हो जाते हैं इन अ परफेक्ट कंपटीशन. नाउ कम टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज अचीव्ड व्हेन 3 conditions आर फुलफिल्ड. नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर कटिंग इट मस्ट राइज. थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द शॉर्ट रन फर्म्स मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मे फेस लॉसेस.
जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन रहेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा और कॉस्ट कम रहेगी। रेवेन्यू का ज़्यादा होना और कॉस्ट का कम होना ये बताता है कि फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ कम टू द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ए आर इज इक्वल टू ए सी, जितनी कॉस्ट है उतने के बराबर रेवेन्यू मिल रहा है। इट मीन्स दैट देयर इज ए नॉर्मल प्रॉफिट। देन फर्म्स में ऑल्सो फेस लॉसेस। लॉसेस मीन्स हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। सो ए आर इज लेस देन ए सी। सो वी विल स्टडी द इक्विलिब्रियम कंडीशन of perfect competition in the short run and will study all these three conditions, but in this video I will explain only normal profit of the firms who are working under perfect competition and will study these firms equilibrium condition. So equilibrium condition perfect competition firms ki jo ke normal profit उठा रही हैं, ऐसी फर्म्स के इक्विलिब्रियम के लिए लुक एट द फिगर। एक्स एक्सिस शोज द लेवल ऑफ आउटपुट, वाई एक्सिस शोज कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जरूरी है सबसे पहली कंडीशन के मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर कटिंग इट मस्ट राइज, और ए आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए वी सी। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं एट पॉइंट ई। सो पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग एम आर फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर कटिंग इट इज राइजिंग, एंड लुक केयरफुली दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए वी सी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर आप इस फिगर का गौर से मुतालिया करेंगे तो आपको आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना ए आर है एम ई उतना ही एवरेज कॉस्ट भी है, जितना एवरेज रेवेन्यू है उतनी ही एवरेज कॉस्ट भी है। अब एवरेज रेवेन्यू फिगर में कितना दिया हुआ है एम ई, और एम ई एवरेज कॉस्ट भी है। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। इट मीन्स दैट फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। और प्राइस जो है ओपी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो ओएम रहेगा। इस तरीके से जो है एक बात याद रखेंगे कि जब भी नॉर्मल प्रॉफिट हो तो फर्म्स जो है उनका ए आर और ए सी एक दूसरे के बराबर होता है। और जब भी नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है तो ना तो एग्जिस्टिंग फर्म्स ये सोचती हैं कि वो एग्जिट हो जाए, या तो दूसरी फर्म्स अट्रैक्ट होके एंटर होना चाहती हैं। उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता कि वो इन अपनी नई फर्म जो है मार्केट में एंटर हो और प्रोडक्शन करें। So this is a case of equilibrium of the firm under perfect competition in the short run earning normal profits. In the next video, I will explain the firms earning super normal profits, the firms facing the losses. इन दो कंडीशंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।